बच्चों, पिछली क्लास में हम रोलिंग मोशन की बातें कर रहे थे। अब हम थोड़ा रोलिंग मोशन की बातों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। आज मैं बात करूंगा कंस्ट्रेंट ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का वर्ड का मतलब समझिए, प्योर रोलिंग वर्ड का मतलब है कहीं पर रबिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। प्योर रोलिंग का मतलब बिल्कुल बराबर बराबर चलना। अगर आपका कहीं पर रबिंग हो रही है तो फिर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब है देर इज नो रबिंग नो स्लिपिंग। तो अब हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट फॉर प्योर रोलिंग की, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी इसी एक कंसेप्ट से, राइट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रेंट ऑफ प्योर रोलिंग। मैंने वैसे तो एक लाइन में आपको सारी बात बता दी है। प्योर रोलिंग इस वर्ड का मतलब जो है ना, मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। प्योर रोलिंग का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि पूरी मोशन में, एंटायर रोलिंग मोशन में कहीं पर स्लिप या रबिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो नो स्लिप नो रबिंग, बस यही इसका फंडामेंटल जो है ना कंसेप्ट है। चलिए तो मैं इसको दूसरे स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बोलूं, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी जीरो, है ना। तो देखो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी जीरो, बस ये एक सबसे खास बात है। रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी जीरो। अब देखिए मैं आपको जो है ना इसके दो तीन एग्जांपल्स लेता हूं कि जैसे मान लो ये आपका सड़क है ना, अब ये आपका व्हील है मान लो। हाँ जी व्हील, मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छा व्हील बनाने की। चलिए जी, मैंने कोशिश कर ली, इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता, इससे अच्छा बनाने की काबिलियत मेरे में नहीं है ना। आप लोग नाराज नहीं होइएगा इससे। चलो अब ये बात है कि इसका सेंट्रल वेलोसिटी वी है और ये आपका ओमेगा है। तो अगर सेंट्रल वेलोसिटी वी है ना, तो बेटा ये जो वेलोसिटी होती है सेंटर की, फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया है कि जो सेंटर की वेलोसिटी होती है वो एंटायर पार्टिकल्स की, ऑल पार्टिकल्स की होती है बॉडी के अंदर। देखो एक चीज बड़ी कॉमन सी बात है, जब आपकी बस चलती है ना, तो पूरी बस जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर या बम्बई पहुंचती है, ऐसा नहीं कि टुकड़ा पहुंचता है, नहीं, सारे पार्टिकल्स उसी स्पीड से चलते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये वी वेलोसिटी है तो ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से चलेगा, ये पार्टिकल भी वी वेलोसिटी से पक्का चलेगा। बट एट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, एट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, एट एवरी पार्टिकल, हम एवरी पार्टिकल कह सकते हैं, यहां पर ओमेगा आर लगेगा, यहां पर ओमेगा आर लगेगा, वेलोसिटी और एक वेलोसिटी। कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी आएगा वी डिफरेंस ओमेगा आर, वी डिफरेंस ओमेगा आर, और इसका आएगा वी प्लस ओमेगा आर। हमारा स्टेटमेंट क्या है उसके लिए, रोलिंग मोशन के लिए, कि रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी जीरो, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए जी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। अब इसकी वेलोसिटी जीरो करने की कंडीशन है वी इक्वल टू ओमेगा आर। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का एक्सिलरेशन भी जीरो होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा बात कर दूं कि रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सीलरेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी जीरो, है। तो आपका ए बराबर अल्फा आर भी होना चाहिए, ये दो चीज होनी चाहिए, है ना। वो तो एक चीज है ना, रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी जीरो, तो भैया रिलेटिव वेलोसिटी तभी जीरो होगी जब ऐसा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा होगा तो फिर तो आ जाएगी ना वेलोसिटी, राइट। तो ये जो है ए बराबर अल्फा आर होना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, कुछ अलग अलग तरह के केसेस ले रहा हूँ,
आप देखेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट यहां था तो मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं सीन थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट वाले बना रहा हूं। जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है जी, अब इस पर ये व्हील है, करेक्ट। अब एक व्हील मैंने यहां पे एक प्लैंक लगा दिया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसका मतलब होता है कि दिस व्हील और रोलिंग बॉडी, व्हील और रोलिंग बॉडी हैज बीन सैंडविच्ड बिटवीन ग्राउंड एंड प्लैंक। अब देखो अगर इसके सेंटर का वेलोसिटी वी है और इसका ओमेगा है, तो मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ओमेगा आर इधर आएगा और वी इधर आएगा, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वी इधर आएगा और ओमेगा आर इधर आएगा। अब इसकी वेलोसिटी अगर वी वन है, वी वन ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो है जी, ठीक है, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, फॉर कंफर्म रोलिंग मोशन है ना, तो मैं कंडीशन लिखूंगा रोलिंग मोशन की, है ना, कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन, कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन। तो ध्यान देना क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी वन इट शुड बी इक्वल टू वी प्लस ओमेगा आर, यानी कि प्लैंक की जो वेलोसिटी है वी वन और ये जो है v प्लस ओमेगा, इन दोनों को सम बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा कि कॉन्टेक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाँ जी, ये प्लैंक जा रहा है v1 से और ये जा रहा है v प्लस ओमेगा आर से, तो दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर होंगे तो काम हो जाएगा, राइट। व्हाट अबाउट ग्राउंड, ग्राउंड के लिए तो भैया v बराबर ओमेगा आर होना ही पड़ेगा, आप चाहे जो भी करो, आप चाहे जो भी करो, नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए ग्राउंड वाले पॉइंट। चलिए अब मैं एक अलग तरह का केस लेता हूं, अगर मान लो इस ऊपर वाले केस में ही हम बात करते हैं, ऊपर वाले केस में ही हम बात करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, कि ये आपका व्हील है ग्राउंड पर है एंड सैंडविच विद द प्लैंक, ये लो जी, अब आपका प्लैंक जो है वो इधर चल रहा हो, अगर इधर चल रहा हो तो बड़ा गंभीर मामला है, बहुत गंभीर। अगर ये इधर चल रहा है और ये ग्राउंड रेस्ट पर है तो साहब कुछ भी कर लो, आप अगर प्योर रोलिंग चाहिए, अगर आपको सच में प्योर रोलिंग चाहिए तो ये व्हील इधर ही जाना होगा, अदरवाइज बात बनेगी, तो ये कन्फर्म मान के चलो कि ये वाली स्थिति बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो आपका ये पॉइंट जो है इसकी नेट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक सीन क्रिएट करता हूं नेट वेलोसिटी कि अगर मान लीजिए ये इधर जा रहा है ओमेगा स्पीड से, ऐसे ओमेगा स्पीड से जा रहा है, तो भैया ये आपका ओमेगा आर यहां आएगा, ओमेगा तो आपका वी इधर आना पड़ेगा और वी बराबर ओमेगा आर होना पड़ेगा, यानी वापस वही कंडीशन बनेगी, और ये जो है आपका नेचुरल है कि वी प्लस ओमेगा आर आएगा, वो कंडीशन वापस बननी ही बननी है, उसके अलावा कोई चांस है ही नहीं, करेक्ट, यानी कोई खास बात नहीं है, सेम ही है बस इधर का। हाँ, अब मैं एक अगला केस क्रिएट करता हूं कि अगर मान लीजिए एक व्हील है एंड इट हैज बीन सैंडविच्ड बिटवीन द टू प्लैंक्स, हाँ रोलिंग बॉडी है जी, व्हील क्या है, रोलेबल बॉडी है जो रोल कर सकती है, तो रोलिंग बॉडी है और मैंने इसको ऐसा कर दिया, ऐसा करके ध्यान दीजिए कि मान लो ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये आपका ओमेगा आर है ना, अब आपका ये v1 है और मान लो कि ये v2 है, ऐसा मान लेते हैं ग्राउंड वाले को, मतलब नीचे वाले को v2 मान लिया, उसको मान लिया, दोनों प्लैंक है, दोनों प्लैंक है ना। अब देखिए आप इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूं, दिस इज द पॉइंट विद इन द v और रोलिंग बॉडी है, तो ये ओमेगा आर है, करेक्ट, ओके, ये आपका पॉइंट है, इसकी तो वेलोसिटी v2 दे रखी है आपको, तो वो v2 ही है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसका v1 है, यहाँ पे क्या हाल होगा, यहाँ पे होगा v प्लस ओमेगा आर, है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, मैं कहूंगा v1 मस्ट बी इक्वल टू v प्लस ओमेगा आर, ये आपका बात नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, करेक्ट। चलिए आगे मैं बात करूंगा कि जो v2 है
वी टू इट शुड बी इक्वल टू वी माइनस ओमेगा। अब जरा हम इसी को बिल्कुल ये वाला केस लेके देखते हैं जो हमने ग्राउंड के लिए लिया था, ट्राई किया हमने उल्टा चलाने की, तो उल्टा चलाने की ट्राई की तो क्या हुआ, पूरा इधर घूम गए। चलिए अब हम यहाँ की बात करते हैं, जरा यहाँ क्या हालात होते हैं, यहाँ के हालात अलग होंगे थोड़े से कि हमने दोनों प्लैंक लगा दिए, नीचे भी प्लैंक ऊपर भी प्लैंक, और अब की बार में क्या किया, इस ऊपर वाले प्लैंक को तो इधर चलाया वी वन है ना, इधर वाले प्लैंक को इधर चलाया वी टू है। चलिए अब आपका वी इधर है, मान लो, मान लेते हैं ऐसा भी, ये मान लेते हैं ओमेगा है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज वी प्लस ओमेगा है ना, v प्लस ओमेगा आ रहा है यहां पे वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v1 है जो ये प्लेन के अंदर पार्टिकल है, देखिए पॉइंट दो ले लिया दिस एंड दिस, तो आपका कांटेक्ट पॉइंट यहां आ गया, राइट, पॉइंट आप v का पॉइंट लीजिए, प्लेन का पॉइंट लीजिए, आपका कांटेक्ट पॉइंट यहां आएगा। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा v इधर है और ओमेगा r इधर है, पॉइंट r इधर है, करेक्ट। अब देखिए आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका v1, v1 बराबर v प्लस ओमेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये वाली बात तो क्लियर है। लेकिन अब v2 वाला मामला है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, इसको पता है ना क्या लिखूंगा, ओमेगा r माइनस v लिखूंगा। हाँ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपने सब कुछ कर लिया है, फिर आपका रोलिंग मोशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। अब रोलिंग मोशन के कंसेप्ट पर मैं कुछ बातें और करूंगा, उसके बाद में वी विल डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे ना, आपको चीज पकड़ में आएगी ही नहीं, राइट। तो मैं कुछ बातें और करके फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए जी, हाँ, अब हम बात करेंगे कुछ, सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जस्ट अ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, तो ध्यान दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट क्या है। तो मैं एक बात आपको बताता हूं कि जैसे अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हुआ था, देखो जब एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, इसको जब हमने जीरो लिखा था तो हमारा पी कॉन्स्टेंट आया, करेक्ट, हाँ जी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो dp / dt कांस्टेंट है, p पक्का, ये आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था। आज बिल्कुल ऐसा ही है कि टॉर्क बराबर dl / dt, l इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज जीरो, देन देन l विल बी कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि इफ टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो then angular momentum will remain conserved, if external torque is zero then angular momentum will be conserved। ये बात external torque नहीं होना चाहिए, torque हो गया तो फिर conserved नहीं रहेगा, फिर conserved नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मान लो ये अपना जमीन है, अब अगर मान लो यहां पे कोई व्हील चल रहा है, ये व्हील चल रहा है, अब व्हील चल रहा है तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स कहां लग सकता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स यही लग सकता है, वेदर इन दिस वे और इन दैट वे, इसके अलावा तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकता, तो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है, राइट। अब अगर इस फ्रिक्शन फोर्स का मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लू तो दैट कैन नॉट बी जीरो, तो टॉर्क अबाउट द सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर, देखो एक मिनट मैं इसको लिख रहा हूं अच्छी तरह से, टॉर्क अबाउट सेंटर कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर इज नॉट कंजर्व, पक्का पक्का सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसको यहां रखा फ्रिक्शन को,
और यहीं पर मैंने टॉप निकाला, फ्रिक्शन तो यहाँ है ही, आप रखोगे क्या होगा ये, अब मैं इसीलिए बहुत टॉर्क निकाला। तो टॉर्क अबाउट फ्रिक्स बॉटम पॉइंट, टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स इन टू डिस्टेंस दैट इज जीरो। ये टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट जीरो होगा, इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अबाउट बॉटम पॉइंट, है ना, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व कंजर्व अबाउट बॉटम पॉइंट। हाँ जी, अब देखिए यहां पे मैं आपको दो चीजें बताता हूं, दो चीजें बताता हूं। अगर हम बॉटम पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे, बी वेरी क्लियर। अगर ये पॉइंट इधर जा रहा है वी स्पीड से, तो भैया इसका इससे डिस्टेंस कितना है, तो एक तो आएगा मोमेंटम ओमेगा के कारण, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो सेंटर के अबाउट मोमेंटम निकाल लीजिए ओमेगा, लेकिन दैट इज नॉट टोटल एंगुलर मोमेंटम, हमें तो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट निकालना है, तो पता क्या करना पड़ेगा, एल अबाउट बॉटम इट इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज रोटेशनल स्पीड, ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, बट ये एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ रोटेशन आया है केवल और वो इसके अबाउट आया, अभी आपका यहां नहीं आया, यहां लाने के लिए आपको इस वी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो पता है कितना आएगा, वो आएगा एम सॉरी एम वी आर, बस ये आपका एम वी आर, ये आपका एंगुलर मोमेंटम बॉटम के अबाउट आ गया एंड इट विल रिमेन कंजर्व पक्का, बस यही आपको समझना है। अब हम इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, है ना, तो मेरे को लगता है एक दिन में तो हम इतने सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे और ढेरों एप्लीकेशंस करेंगे इसके, ढेरों एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैं इस टॉपिक का जो है ना सबसे सिंपल और सबसे ईजी पोर्शन करने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज रोलिंग डाउन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, है ना। ये क्या है कि जो है ना बहुत सवाल आते हैं रोलिंग डाउन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, देखिए रोलिंग डाउन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग डाउन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसकी कैलकुलेशन और इसकी सारी की सारी जो है ना एनालिसिस मैं दो तरह से करूंगा, एक तो सिंपल में करूंगा जिसमें क्या होगा फोर्स और एक्सीलरेशन का जो रिलेशनशिप है जिसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे हम पूरे के पूरे, है ना, एनर्जी बिल्कुल भी ध्यान दे देंगे, लेकिन दूसरी बात उसी चीज को मैं एनालाइज करूंगा एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना, हम दोनों करते हैं, देखो बहुत मजा आएगा और बहुत आसान है, है ना। ये मान लीजिए आपका इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन की हाइट एच है, इंक्लाइन प्लेन की हाइट एच है, इंक्लाइन प्लेन की लंबाई एल है, तो देखो क्या क्या बोला, अब ये ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा साइन थीटा बराबर एच अपॉन एल, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। अब मैं यहां से एक रोल एबल बॉडी को छोड़ रहा हूं, कहीं से भी छोड़ो आप, एच हाइट से छोड़ो, सबसे ऊपर से छोड़ो साहब, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी वो, ये लो साहब, है ना, नहीं तो भी कोई नाराज हो जाएगा सर आप कहते यहां से छोड़ा है सबसे ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है खुश। अब मैं यहां देखूंगा कि हो क्या रहा है, ये जो रोलेबल बॉडी है वो ऐसे रोल करेगी, ठीक है, घूमती हुई आई नीचे, ओके, यहां पर होगा एम जी साइन थीटा, यहां पर होगा एम जी साइन थीटा पक्का पक्का, ओके, फ्रिक्शन फोर्स भैया इधर लगे, हम हमेशा काम में लेंगे इसको, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स है, एम जी
आप देखना टॉर्क क्या लिख रहा हूं, टॉर्क लिख रहा हूं मैं एम जी साइन थीटा इंटू जीरो प्लस कैपिटल आर इंटू एफ आर। इसको मैं कह दूंगा आई एफ, इसको मैं कह दूंगा आई एफ, है ना। तो देखो आप ये आपका इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, मैं इक्वेशन टू को रीराइट कर रहा हूं, रीराइट कर रहा हूं, आर एफ आर इक्वल टू आई अल्फा। आपको प्योर रोलिंग चाहिए क्या? प्योर रोलिंग चाहिए, प्योर रोलिंग चाहिए, प्योर रोलिंग चाहिए तो ए बराबर अल्फा आर, प्योर रोलिंग चाहिए तो ए बराबर अल्फा आर, तो अल्फा बराबर ए अपॉन आर। ये प्योर रोलिंग की कहानी आ गई। सो इट्स वेरी क्लियर दैट एफ आर इज इक्वल टू आई ए equal to m a plus i a upon r square. ये को कॉमन ले लो। अच्छा एक काम करूँ क्या मैं? मेरे को इच्छा हो रही है काम करने की। आया बहुत इच्छा होती है उसकी। i बराबर m k square लिखने की मन में आ रही है। i बराबर m k square लिखने की मन में आ रही है। m मतलब स्मॉल m यार, है ना। i बराबर m k स्क्वायर है तो बहुत मजा आएगा, मैं बताता हूँ देखना कितना मजा आएगा। m g sin theta equal to m a plus i बराबर m k स्क्वायर upon r स्क्वायर it is into a correct i बराबर m k स्क्वायर लिख दिया। K is radius of direction. K is radius of direction. M से M की नमस्ते करो। हमारे यहाँ क्या पास में मंदिर है, तो उस मंदिर में से जो है ना वो भगवान जी की पूजा करते रहते हैं, तो आप लोगों को भी कभी कभी वो ईश्वर की पूजा सुनाई देती है, सुना करो, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए अब हम एक ही बात करते हैं, जी साइन देंगे 1 plus k square upon r square। ये आपका acceleration आ गया। क्या आ गया आपका? Acceleration आ गया। चलिए जी, अब ये acceleration तो आ गया, what will be the velocity at the bottom point? So I am going to calculate velocity at the bottom point. बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही है, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही है, बॉटम पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी जी? सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस रोलिंग बॉडी एट द बॉटम। देखिए मैं करता हूं, ये तो ये एल जो है ना इसकी लेंथ है, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह l लिख देता हूं, u जीरो twice a l। तो चलिए v इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, आप लोग देखना, v इक्वल टू लिख रहा हूं twice a l, twice a, एक जगह ये बकवास लिखो g sin थीटा है ना, तो इसकी जगह l sin थीटा लिखो, जी साइन थीटा, एल साइन थीटा को मैं आपको पता है एल एच लिख दूंगा यहां से, एच बराबर एल साइन थीटा, यही पे लिख देंगे ना, या तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे।
ये आपका आ गया भाई। अब ध्यान देना, जरा लिखना ही नहीं पड़ेगा। अंडर रूट 2 जी एच 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका वेलोसिटी बॉटम पॉइंट है ना। अच्छा बॉटम पॉइंट पर जब वेलोसिटी आ गई ना, तो अब अपन टाइम निकालेंगे। देखिए टाइम निकालने का अपने पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है अंडर रूट 2 एस अपॉन ए, ये टाइम निकालने का रास्ता है। एक रास्ता दूसरा है क्या, एक रास्ता दूसरा है v इक्वल टू यू प्लस ए, v इक्वल टू यू प्लस ए, ये दूसरा रास्ता है। तो देखो जरा v इक्वल टू यू प्लस ए, v इक्वल टू जीरो प्लस ए टी, आपका t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा v अपॉन ए, v अपॉन ए। चलो जी एक बार जरा v अपॉन ए देख लेते हैं, v तो ये है और a वो है, एक काम करो इसका काम करो, हाँ इसको लो v अपॉन टाइम है। देखो सुनो, ये v है वो a है, a पर अंडर रूट नहीं है, ध्यान दो a पर अंडर रूट नहीं है, v पर अंडर रूट है। तो भैया ये आएगा, मैं लिख रहा हूं उसको अंडर रूट v अपॉन a लिख रहा हूं, देखो v ये है अपॉन a, इसमें से मैं a को अंदर, इसको अंदर ले जाऊंगा a को, तो स्क्वायर हो जाएगा सब कुछ, सब कुछ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा 2 तो ऊपर आएगा ही आएगा है ना, 2 ऊपर आएगा और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, मेरा भरोसा नहीं है भैया, हाँ डोंट बिलीव ऑन मी जी संजय, ये आपका टाइम है। ओके अब जरा इसको 2s अपॉन ए से करना, 2s अपॉन ए अंडर रूट 2 ऐसा पड़ेगा, अंडर रूट 2 ऐसा पड़ेगा। एस क्या है आपका, एस तो आपका है ये एच अपॉन एल है ना, एच अपॉन एल, ये एक काम करो ना, एस तो आपका एल साइन नहीं, एल तो एल ही है, एस तो आपका एल ही है, अच्छा और आपका ए वो है, तो 2 ऐसा अपॉन ए है ना, 2s upon a, तो s आपका है l, फिर हम उसको x से ये गायब हो गया क्या, sin theta, sin theta गायब करना पड़ेगा। एक मिनट यहाँ देखना, कुछ गड़बड़ हो गई है इस जगह पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, we are doing some mistake here, I think l we have left, हाँ मेरा दिमाग चकरा रहा है यार, l कहाँ भाग गया भाई, यहाँ से l है इसके कारण, पता है क्या, वो मन में वो दिमाग में जब तुम कैलकुलेशन कर रहा हूं तो सेट नहीं हो रही कैलकुलेशन, अब हो जाएगा अंडर रूट 2 ऐसा पड़े, 2 वैल्यू लिख दो और बस ए को ले आओ नीचे, वाह ये आ गया, मतलब दोनों सब तरह से कट रहा अंडर रूट 2 ऐसा पड़े, देखो 2 ऐसा पड़े है ना, 2 एस को तो 2 वैल्यू लिख दो, 2 वैल्यू लिख दो और ए आ गया सारे, आपको जैसे भी मजा आया वैसे करो, मतलब मजा जैसे आया वैसे क्या करो भैया जी सर, तो आप देखो टाइम आ गया सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ एक बहुत ही कॉमन सी बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि जैसे देखो ये टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, एक्सीलरेशन ऐसे है, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो है ना इनको मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, हाँ ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, फिर हम इसी एनालिसिस को एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेम एनालिसिस वी विल बी डूइंग विद एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दूसरा मैं लिख रहा हूं a प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बात है, और तीसरी बात मैं लिख रहा हूं यहां पे t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट
वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जी, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसकी एक्सीलरेशन कम होगी, और जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। भैया भैया वेलोसिटी कम एक्सीलरेशन कम तो टाइम अपने आप ही ज्यादा हो गया, राइट। तो ये वाली बात है। अब हम जरा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है उसके बारे में बता दूं ये क्या होता है ना। तो देखो, वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फॉर डिफरेंट बॉडीज, ये एकदम क्लियर है, वैसे सबको पता है ना। हाँ, आप लोगों को तो पता ही है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यूज है, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ एक बार। देखो, वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देखो आई बराबर हमने आपको पढ़ा था एम के स्क्वायर, पढ़ा था। अब मैं बोलूंगा कि के स्क्वायर बराबर आई अपॉन एम, के स्क्वायर बराबर आई अपॉन एम, तो मैं बोलूंगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ऐसा बोलूंगा ना। जब मैं ऐसा बोलूंगा तो अब देखिए क्या हुआ, i अपॉन m स्क्वायर, बस आप i की वैल्यू लिखते जाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सबसे पहले बात करेंगे रिंग की। हां जी, रिंग के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होगा, 1 है ना। हां, दूसरा डिस्क के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होगा, 1/2। हां जी, सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर इसके लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होगा, 2/5। ये सॉलिड स्फीयर की बातें होती हैं। चलिए आगे, नंबर फोर, हॉलो स्फीयर, इसके लिए क्या होगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2/3। हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर इसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा, 1। सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर, इसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा, 1/2। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो आप, सबसे कम किसका है, देखो इसको हम कहेंगे 1, इसको हम कहेंगे 0.5, इसको हम कहेंगे 0.4, इसको हम कहेंगे 0.66 है ना। हाँ, ये 1 है, ये 0.5 है। सबसे कम किसका ये बताओ, सबसे कम इसका है सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर सबसे कम है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगी और टाइम सबसे कम होगा। सबसे जल्दी नीचे ये आएगा सॉलिड स्फीयर, पक्का मान लो। हां जी, एकदम सॉलिड बात है, पक्का पक्का। चलिए, ये हो गया। अब मैं इसी जो हम कह रहे थे कि इसी कांसेप्ट को मैं किससे सॉल्व करूंगा, ये नहीं रिजल्ट्स को निकालूंगा, एनर्जी का डेरिवेशन। तो देखिए, मैं एनर्जी कंजर्वेशन से रिजल्ट्स निकाल रहा हूं, एंड वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। चलिए देखो क्या है एनर्जी कंजर्वेशन से रिजल्ट। हाँ, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, डायग्राम आपको पता ही है क्या है। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, ठीक है जी। चलिए मैं एनर्जी लिखता हूँ, आप देखना। टोटल इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी है एम जी एच प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर और आर स्क्वायर, पता है। इसको मैं जीरो लिख देता हूँ, जीरो स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो थी। अब आ जाते हैं हम नीचे, एम जी एच जीरो प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर एन 1 प्लस के स्क्वायर पर आर स्क्वायर, ये मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ये चलो मिटा देते हैं ऐसे थोड़ा सा, नहीं यार मिटाएंगे नहीं उसको, जिंदा रखते हैं ना। चलो कोई बात, आप समझ गए, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं,
इसलिए कोई चिंता नहीं, इसको मैं रीराइट कर देता हूँ दोबारा, है ना। देखना जरा सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। आप देखना जरा एम से एम गया, टू जी एच, देखिए वी आपके पास आ गया है और आप मैच करिए, दिस इज द सेम रिजल्ट, बिल्कुल पक्का पक्का सेट। आपके पास वी आ गया, अब आपके पास जब वी आ गया है तो मैं पता क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, यू जीरो था, टू ए एस, एस आपका एल है, एस आपका एल है, ध्यान। अब आपके पास ए आ जाएगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू एल, वी स्क्वायर अपॉन टू एल, ये आपका ए है, वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो जल्दी से, टू जी एच वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर कर दिया अपॉन एल, नहीं अपॉन टू एल, साहब टू एल, ध्यान देना टू एल, एच अपॉन एल तो साइन थीटा था, एच अपॉन एल साइन थीटा था जी, इसलिए जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर, ये वही रिजल्ट आया है आपका। टाइम तो आप निकाल ही लोगे, है ना, तो टाइम के बारे में बात नहीं करेंगे हम, ओके। टाइम क्या होगा, टाइम आप कैसे निकालो, वी अपॉन ए से निकालो, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यू जीरो है, या आप टी बराबर अंडर रूट टू एस अपॉन ए से निकालो, एक ही बात है, टाइम तो आपका आ ही जाएगा, है ना। ये आपका रोलिंग डाउन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन के अंदर, वो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन, है ना, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, करेक्ट। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन, कोई खास बात नहीं है, एक ही बात है, इसको कई बार आई सी ओ आर बोल देते हैं। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी जीरो मान सकते हैं, तो नेट वेलोसिटी जीरो होती है, तो आई सी ओ आर, I C O R, I C O R is such a point where such a point at which net velocity is zero. At which net velocity is zero. किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जो है बड़े आराम से निकाल सकते हो, दो आई नेवर प्रेफर टू फाइंड द वेलोसिटी इन दिस वे, लेकिन फिर भी बता देता हूं, मैं तो आपको पहले ही बता चुका कि वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बता देने में, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो ICOR ही पूछ लेते हैं, हाँ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, मैं इसको मतलब इस तरह से वेलोसिटी किसी पॉइंट की पता करना प्रेफर नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूँ आप वैसे ही कर लो ना वी स्क्वायर वी को वेक्टर मेथड से जो हमने आपको पहले बता दिया। देखिए जैसे मान लो ये आपका व्हील था, ये कोई भी आपका व्हील था, रोलिंग व्हील था, करेक्ट। अब अगर मान लो ये प्योर रोलिंग थी, अगर प्योर रोलिंग थी तो बात कर रहा हूँ, तो हम सबसे पहले प्योर रोलिंग की बात करते हैं, फिर इम्प्योर रोलिंग की बात भी कर लेंगे, ये प्योर प्योर रोलिंग की बात है, तो ये v है और ये ओमेगा है, तो यहां पर जो है इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर आएगी v और इधर आएगी ओमेगा।
अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, इस बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी है वी बी इक्वल टू वी माइनस ओमेगा, अगर प्योर रोलिंग है तो ये निश्चित जीरो है, निश्चित जीरो है। इसी को इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब अगर मान लो आपको किसी पॉइंट की वेलोसिटी पता करनी है एग्जैक्ट, तो देखो यहां से मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी पता करने की कोशिश करता हूं, आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये आपका 2r है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है ना 2r। तो अब आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी ओमेगा, तो ये आपका v, इसका वे आएगा ओमेगा r, और ये वेलोसिटी की ये डिस्टेंस 2r है, यहां से पॉइंट ऑफ रोटेशन से इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी ओमेगा इनटू 2r, ओमेगा इनटू 2r। अब देखिए v बराबर ओमेगा है, तो इसका मतलब 2v है, इसका मतलब 2v है, और इसका मतलब v प्लस ओमेगा r एक ही तो बात है भाई, ये सब तो एक ही बात है, करेक्ट। अच्छा अगर आपको इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो देखो हमने आपको उस दिन बताया था कि ये v है और ये ओमेगा r है, तो ये रिजल्ट मैंने बताया था आपको, और मैंने क्या बताया था अंडर रूट v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखिए अगर आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, ये डिस्टेंस आप डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट नेचुरल है कि दिस r एंड दिस r, सो दिस विल बी रूट 2r, रूट 2r। मैं अब इस पॉइंट का नाम दे देता हूं c, है ना, तो देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट c मैं लिख रहा हूं अंडर रूट v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 ओमेगा, करेक्ट। अब आपने ये किया तो यहां पर v से आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओमेगा इनटू डिस्टेंस, ओमेगा इनटू डिस्टेंस दैट इज रूट 2r, तो इट विल बी कमिंग डायरेक्ट, ये प्योर रूलिंग का तो ऐसा हो गया। अच्छा मैं अब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की बात उस केस में करता हूं जब प्योर रूलिंग ना हो, यानी कि लेस और मोर। तो देखिए मैं दो केस डिस्कस करूंगा और आपको समझ में बहुत आसानी से आएगा, कोई चीज रटनी नहीं है जी, रटना पाप है, रटना पाप है। देखिए अब मैं बात करूंगा नो प्योर रूलिंग, इसका मतलब भी बराबर ओमेगा आर नहीं है, इस बार भी बराबर ओमेगा आर नहीं है, देखिए क्या होगा, मैंने बना दिया ऐसा वेलोसिटी, ठीक है, ये सॉरी रोलिंग मोड बना दिया। अब आप देखना ये सेंटर है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी है, इसका ओमेगा है। अब अगर अगर वी ग्रेटर देन ओमेगा आर है तो एक मिनट जरा मैं इसको यहां लिखता हूं, अगर v ग्रेटर देन ओमेगा हो, आई एफ इफ v ग्रेटर देन ओमेगा, अब बताइए आप v ग्रेटर देन ओमेगा है, यानी कि ओमेगा स्मॉलर है, ओमेगा स्मॉलर है, अब आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां आएगा, कहां जाकर वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि आपका जो ये है तो सेंटर ऑफ द व्हील है या सेंटर ऑफ द रोलिंग बॉडी है ना, आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहीं भी आ सकता है, यहां कहीं भी आ सकता है, बिकॉज v इज ग्रेटर देन ओमेगा r। तो देखिए अब इसके सेंटर से मैं इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालू तो भैया ओमेगा तो इधर है पक्का, है इधर है ओमेगा, तो इसकी वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू 1 सेंटीमीटर, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो, 2 सेंटीमीटर तो ओमेगा इंटू 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, देखिए ये रहा ओमेगा इंटू 2 सेंटीमीटर, फिर अगर मान लो और बढ़ गया तो ओमेगा इंटू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओमेगा इंटू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको वी चाहिए, जितना बड़ा वी है ना उतना बड़ा आपको ओमेगा चाहिए, ओमेगा आर, ओमेगा आर। तो पता है आपका सेंटर ऑफ मास शायद यहाँ कहीं आएगा, इतना ही बड़ा चाहिए, तो ये लो जी शायद यहाँ कहीं आएगा, राइट। यानी कि आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, इस डिस्टेंस की वैल्यू है डी, इस डिस्टेंस की वैल्यू है डी, और फिर आपको डी पता कैसे आएगा, डी बराबर आएगा वी अपॉन ओमेगा, ये आएगा, बस खत्म।
ये डी इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा है, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नो प्योर रोलिंग तो हो गई ना, अब हम इस, अच्छा चलो इसी चीज को एक चीज और कर लो, आई एफ इफ इफ वी इज लेस देन ओमेगा, यानी ओमेगा आर तगड़ा है, ओमेगा इस वाले केस में पता है क्या होगा, इस वाले केस में वी इज ग्रेटर देन ओमेगा है ना, तो डी डी इज ग्रेटर देन आर है ना, डी इज ग्रेटर देन आर, इस वाले केस में क्या आएगा, इस वाले केस में फॉर्मूला यही है, डी बराबर वी को सकते आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में या इस चीज को पकड़ने में तो आप मेरे से जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपका जो है ना ये रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक पूरा हो चुका है ना, रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, है? तो अब आपको यहाँ आ जाइए, जरा फॉर्मूला चार्ट खोल लीजिए अपना, ओपन दी फॉर्मूला चार्ट, वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 16 ऑल, है ना। हाँ मैं चाहता हूँ 17, 18, 19, 20 एक बार आप लोग ट्राई करें, है ना। हाँ ये सब आप लोग एक बार ट्राई करें 20 तक, और 23 तो जो है ना वैसे तो खैर मैं करवा दूंगा ये सारे सवाल, 23, 24, 25, 26 ये सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, उस क्वेश्चन को देखिए आप क्या हो रहा है वहां पर, दो व्हील है, एक बड़ा है एक छोटा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हम अगर चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट पर कि कोई एनर्जी लॉस ना हो, चाहते हो क्या एनर्जी लॉस ना हो, तो पता है एक तरीका है केवल, वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए इसकी और इसकी, इसका मतलब ओमेगा वन आर वन और इसका ओमेगा टू आर टू, ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा आर, टेंजेंट पॉइंट पर वेलोसिटी ओमेगा आर होती है ना, तो वही बात है आप जो है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ओमेगा आर लिख दीजिए, एक का आएगा दूसरे का आएगा, तो वो आप देखिए हम जो है बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी सारी चीजें है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाएंगे इसमें, लेकिन आपको एक बात पक्का है कि जो छोटा वाला व्हील है उसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो ओमेगा वन आर वन होगी, दूसरे वाले की ओमेगा टू आर टू होगी, अब आप उसको कैसे करते हो वो एक आपका अलग मैटर है, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करें, आइडिया दे दिया, ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे, अगर यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम है तो जूम सेशन में आप डिस्कस कर ही सकते हैं।